बिहार की राजनीति में इन दिनों भूमिहार ब्राह्मण वोटों को साधने की होड़ लगी हुई है। बोछा उपचुनाव में जिस तरह राजद के पक्ष में भूमिहार समाज ने वोट किया, उसके बाद भाजपा अपने परंपरागत वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश में जुट गई है। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव के समय में भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ हुए अत्याचार को याद दिलाया। सुशील मोदी ने ट्वीट किया कि भाजपा ने ही भूमिहार समाज को पहली बार केंद्रीय मंत्री का पद दिया। बिहार में भाजपा कोटे से आज दो कैबिनेट मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष इसी समुदाय से हैं। लालू राबड़ी राज में भूमिहार ब्राह्मण समाज का जितना अपमान उत्पीड़न हुआ, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उस दौर में जाति पता कर इनका नरसंहार हुआ और इन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। ऊंची जातियों को 10% आरक्षण देने का विरोध करने वाली लालू प्रसाद की पार्टी आज किस मुंह से भूमिहार ब्राह्मण समाज की हितैषी बनी रही है। सुशील मोदी ने कहा कि ब्राह्मण भूमिहार समाज को भाजपा ने हमेशा यथोचित सम्मान दिया है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में भूमिहार समाज के 15 और ब्राह्मण समाज के 11 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया था, जबकि राजद ने इन दोनों जातियों का अपमान करते हुए केवल 5 टिकट दिए थे।